अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त आवाम दोस्त, और आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। लॉकडाउन में नरमी, माह रमजान है और मौसम में है शदीद गर्मी, आवाम है परेशान और महंगाई का है तूफान। हुकूमत ने किए कई ऐलान और इन ऐलानात में कितनी है जान, आइए जानते हैं आवाम से। आ जाए मेरे साथ। क्या कहेंगे सर, ये जो महंगाई हुई है? महंगाई भी सर है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो हुकूमत ने कोई हुकूमत कहाँ ख्याल करेगी, हुकूमत तो जारी आवाम मरी है, आवाम को मर के मतलब गाड़ा जमीन के अंदर हुकूमत ये चाहिए, सब पता है इस बात को। तो जो कहा था कि 1200 रुपये देंगे, रिलीफ देंगे, मतलब पूरा रमजान का महीना खत्म हो गया लेकिन वो नहीं पहुंचा, किसी को नहीं पहुंचा। काम करता हूं सेल में, मैं सेल में नहीं काम करता हूं। आज 4 दिन हुए मार्केट में, 4 दिन हुए, अभी सब चीज़ चल रही है, बंद होने का हो रहा है। अब मैं काम जहाँ करता हूँ वो बंद कर दें, दुकानें बंद हो जाएंगी, तो मैं सैलरी कहाँ से मिलेगी? ऐसी ऑलरेडी सैलरी रुकी है, हमें नहीं। हाँ, तो ईद भी है और रमजान के मामला भी है, सब कुछ रुकी हुई है भाई। अभी बिजली और गैस के भी इतने आ रहे हैं, वो भी भाई भर रहे हैं, किराए घर में रहते हैं, कोई कर रहे हैं भाई, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो टाइगर फोर्स जो राशन ला रही थी वो कहीं नजर आई, कहीं आई वो? कोई राशन का एक दाना नहीं आया, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला सर। मतलब ये चल रहे हैं ड्रामे, चल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी बात मर रहा भाई, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत कहा था रिलीफ देंगे, सस्ता करेंगे चीज़ों को, कुछ नहीं करे भाई, कुछ नहीं। बच्चों के लिए क्या करें सर? सही, मेरा रोजगार भी नहीं है, कारोबार में भाई सही परेशानी है, कारोबार एक आदमी कमाने वाला, 8 आदमी खाने वाले भाई उसके घर के, सही गरीबों को कूटो। तो हुकूमत ने जो कहा था कि हम राशन देंगे, टाइगर फोर्स आएगी, 12000 रुपये देंगे, कुछ भी नहीं मिला हमको, तो है कुछ भी नहीं, गरीबों को क्या मिला, गड्ढा खोदता है वो खाता भाई, हुकूमत ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं मिला यार। क्या खाए क्या नहीं खाए भाई, एक कमाने वाले 5-6-8 जने खाने वाले, सही, आज तो कमाई भी से सब बेरोजगारी हुई है, बैठे हुए सब घर में, सही। तो हुकूमत ने कोई कोई रिलीफ नहीं दिया, रमजान पूरा गुजर गया, लॉकडाउन गुजर गया ना, ऐसे गया ना, गुजर गया बस। हुकूमत ने कुछ नहीं, राशन वगैरह जो 12000 रुपये दे रही थी, कुछ नहीं मिला। आप लोगों ने जमा कराए थे वो जो 12000 रुपये के लिए मैसेज वगैरह करना था, जमा करवाए थे लेकिन कुछ नहीं मिला आप लोगों को, सही। तो अभी किस तरह गुजर बसर हो रहा है, क्योंकि अभी ये कारोबार भी नहीं है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, रोजगार नहीं है, किस तरह? अच्छा, एक बच्चा हमारा सर देखें वो भी बैठ गए घर में, हम लोग काम करते खाते हैं, पापड़ बनाते हैं हम लोग घर में, अच्छा इससे गुजारा कर रहे हैं हम लोग, सही। बस इनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी ये काम लगा दें, गरीब आदमी के पहुँच से दूर है बस। मतलब हुकूमत ने कहा था कि जब रमज़ान शुरू होगा तो रिलीफ देंगे, सस्ता करेंगे चीज़ों को, कोई वो दुगने तिगने हो गए हैं, और जो यूटिलिटी स्टोर के अंदर कहा था कि सस्ती चीज़ें मिलेंगी, नहीं मिल रही हैं, कुछ भी नहीं है, नहीं है। और मतलब जो 12000 रुपये मिल रहे थे राशन घर पर पहुँचाना था टाइगर फोर्स से, जिन्होंने भरे हुए फॉर्म वाम उनको भी नहीं मिल रहे, अच्छा जी, मतलब अभी तक किसी को राशन भी नहीं आया, 12000 रुपये भी नहीं मिले, और पूरा महीना गुजर गया रमज़ान का, ये तो थोड़ा बहुत फर्क आया है, ज़्यादा नहीं है, अच्छा हाँ ज़्यादा फर्क नहीं है, अभी देख रहे गहना गहनी कैसी है, बड़ी मुश्किल से सामान आ रहा है, बड़ी मुश्किल से बिक रहा है, और लोगों ने थोड़ा बहुत फ्रूट व्रूट महंगा किया है, मगर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कर्म है, सही है मेरी नज़रों में, सही। हाँ आप तो खुद बेच रहे तो आपकी नज़रों में कमी होगा, हाँ कमी है ना यार, मैं तो ऐसे ऐसे बेच रहा हूँ यार, मतलब आपके पास जितना आ जाए वो कमी लगेगा, हाँ कमी लगेगा, हाँ। और आप बताएं और सब खैर खैरियत? अल्लाह पाक का बेहद करम है यार, जबरदस्त अंकल, बहुत ही मुश्किल हो रही है, एक तो बिजली के बिल वो रीडिंग करके नहीं दे रहे, जी हाँ अपनी मर्जी से आ रहे हैं, मर्जी से दे रहे हैं, 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार का दे रहे हैं, और ऊपर से ये सफेद पोस्ट जो है ये तो हम तो समझो ऐसे ही मर रहे हैं, वो फिस गया वो बंदा, बिल्कुल फिस गया। अभी ईद की ईद भी आ गई है और तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, जो बोरे के हिसाब से राशन पानी हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है, जो 12000 रुपये देने थे सफेद पोस्ट को, गरीब दोस्त पैकेज निकाला था उन्होंने, उनका भी किसी कुछ राशन पानी या कुछ भी नहीं मिला है, अच्छा और बिल अलग आ रहे हैं, वो भी लेट फीस के साथ ले, अच्छा इतनी मुश्किल हो रही है हम लोग, मतलब बिजली के और गैस के बिल ज्यादा से ज्यादा और अगर सही कराने जा रहे हैं तो इतनी मुश्किल हो रही है हम लोग को, सही हम बता नहीं सकते भाई, महंगाई तो हुई है मगर लोगों को गुजारा हो रहा है, बहुत अल्लाह करा ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सही। तो मतलब हुकूमत ने कहा था कि जब रमज़ान आएंगे तो बचत होगी, रिलीफ दिया जाएगा, 12000 रुपये में मिलेंगे, राशन भी आएगा, कोई रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ महंगाई चल रहा है, मतलब देने वाले ले रहे हैं खाने वाले, बेरोजगारी वैसी है, काम धंधा नहीं है, और यहाँ पे हर चीज़ महंगी हुई है, कुछ महंगा हुआ है, सही। तो अभी आप
कारोबार करते हैं कोई या नौकरी करते हैं भाई? मैं तो मजदूरी करता हूँ। तो क्या किस तरह गुजर बसर किस तरह है रमजान में ये लॉकडाउन में? गुजारा हो ही रहा है, अल्लाह कर रहा है। तो हुकूमत की तरफ से कोई हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं है? ना 12,000 मिले ना राशन मिला, कुछ भी नहीं। सही, तो वो टाइगर फोर्स का कहते हैं टाइगर फोर्स घरों पे आएगी और पहुँचाएगी? जी जी, कुछ नहीं, कोई नहीं आएगी, कोई फोर्स नजर नहीं आएगी, कुछ भी नहीं। बहुत महंगाई है, ऊपर से देखें रश भी बहुत है। हाँ, और ये जो है बिल्कुल जो है 100 की चीज 150 में अभी बेच रहे हैं। मतलब जिसका जितना हाथ लग रहा है वो मार रहा है, बिल्कुल ज़्यादा मार रहा है। ये तो रमजानों में होता ही है ना, आपके कोरोना से कुछ हुआ ना, गवर्नमेंट ने कुछ किया आपके? तो गवर्नमेंट ने तो वादे किए थे रमजान आएगा तो रिलीफ देंगे, सस्ता करेंगे। गवर्नमेंट के तो वादे हमेशा ही होते हैं, लेकिन जब के इमरान खान ने जो एक्शन लिया है, लेकिन यहाँ पे जो है मलीर में स्पेशली तो कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए वो एक्शन दिखता नहीं है, भले गवर्नमेंट अच्छा काम करे या ना करे। यहाँ के अपने ताजिर अपनी एक नए तरीके से SOP बनाए हुए हैं, हर साल की इनकी अभी SOP तो इस साल आई है, लेकिन इधर की SOP हर साल ताजिर बनाते हैं। जो हुकूमत कहते हैं रिलीफ देंगे, 12,000 रुपये देंगे, राशन देंगे, तो कुछ नहीं मिला? नहीं, यहाँ पे तो नहीं मिला यार, किसी को कुछ नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, यहाँ रिलीफ ही नहीं मिली है। बहुत मुश्किल गुजर बसर हो रहा है। अच्छा, ईद आ रही है, बच्चों की तैयारियाँ हैं, कुछ भी नहीं है, ईद की ना तैयारी ना कुछ भी नहीं है, मार्केटें सारी बंद है, और महंगाई के सिलसिले में तो बच्चों के कपड़े उपड़े लेना मुश्किल हो गया, पहले खाएं या बच्चों के कपड़े उपड़े बनाएं। सही, और जो बिजली के बिल आए उनको 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 बिल मत पूछे कितने कितने आ रहे हैं, वो बिल्कुल अंदाजा है, ऐसी बात है। उन्होंने कहा था 3 महीने के बिल्स नहीं पे होंगे, फिर भी बिल्स इतने आ रहे हैं, वो पे करने तो करना है। तो ये तो चाहिए कहा था कि ये रिलीफ देंगे रमजान में, ये क्या कहते हैं लॉकडाउन में, तो कोई रिलीफ नहीं मिला, 12,000 मिले ना राशन, कोई 12 ना 13 कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। सही, तो ना अब ये घर के किराया माफ हुआ, और जो मालिक मकान पहले वो पहले आ जाता है, किराया माफ होगा नहीं, कोई ऐसा सिलसिला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। किराया खा सकता, मेरा मियाँ थाड़ी करता, बच्चे मजदूरी करते, अब वो मजदूरी नहीं है, घर चले जाएंगे। अभी कोई वो कोई आसरा नहीं है, कुछ कोई मामला नहीं, हुकूमत ने कुछ नहीं किया, 12,000 भी नहीं दिया राशन भी नहीं, ना राशन दिया ना हुकूमत ने, कोई 12,000 दिए ना 1,000 दिया, 12,000 तो बहुत दूर है। अच्छा, आने वाले आ रहे हैं, दिया होगा उसको, दिया होगा हमें, हमारे लिए कुछ नहीं है। हुकूमत को और हमारे जो के लोग बैठे हैं बड़े बड़े लोगों को सोचना चाहिए कि मकसद ये गरीब आवाम के लिए क्या किया जाए। किराए घर पर रह रहे हैं, बिल आ रहे हैं, किराए के भी रह रहे हैं, फिर सबसे बड़ी बात ये कि जिससे एक दो बच्चे हो जाएँ तो मकसद ये उनके अखराज कहाँ चले जाते हैं, सबको ही पता है ना। सही, ना बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन क्या करें, हुकूमत ने भी हाथ पीछे डाल रखी है, और जो हमारे कर्जे धरता है बेचारे वो भी ऐसे बैठे हुए। सही, तो हुकूमत ने जो कहते हैं रिलीफ दिया जाएगा बिजली के बिलों में, जो चला था उसमें भी कुछ नहीं मिला, सिवाय धक्कों के। अच्छा, सिवाय धक्कों के, ये मलीर की आवाज़ यहाँ की ख्याल गा रहा है, गुराब बोर्ड के ऊपर, अल्लाह आपको बोला करे कायदाबाद के ऊपर, आप मुझे बताइए कौन लेने के लिए जाएगा वहाँ पर? सही बात है, और वहाँ कैसी लाइनें लगी हुई है, लगी हुई किन की लाइन है, दादू पार्टी बना रखी है, आम नहीं है, सिर्फ लाइनें लगवा करके दिखा दिया कि आपने ये किया है, इतने लोगों को दे रहे हैं, ये किसी को नहीं रहे, किसी को भी नहीं मिला, दिखावे के लिए लाइनें लगी, दिखावा है कि हम काम कर रहे हैं। और जो टाइगर फोर्स राशन लेके आ रही थी, और ना अभी तक टाइगर फोर्स तो नजर ही नहीं आ रही, अब ये नहीं पता कि शायद इमरान खान के ख्वाबों में चल रही हो, चल रही हो, वैसे नजर रोडों में घरों पे नहीं आई, वो घरों के ऊपर नहीं आ रही। बिजली के बिल आ गए, 7,000 बिल आ गया, 4,000 का आ रहा था, इस बंदा 7,000 का बिल आ गया, सबके डबल ही आ रहे हैं, अब बिल तो भरना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट माफ तो नहीं करेगी। कुछ नहीं मिला, नहीं कहाँ मिलती है मुझे बता दें आप, आपके इलम में है तो मुझे बताएं। मैंने बाबा मैंने सो अभी मैं लिस्ट लेके आऊँ सौदा की, जेब देख रहा हूँ वो जो है ना, रमजान से पहले अलग रेट थे, अब रमजान में अलग रेट है अभी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे महंगाई के बारे में, इतनी महंगाई हुई हुई है, बस लोग अपना गुजारा कर रहे हैं जैसे भी चाहे, हुकूमत तो कोई किसी के काम की नहीं है, कोई क्या देखे ना, घर में इतने लोग हैं माशाल्लाह कमाने वाले, कोई भी नहीं जा सकता, डबल सवारी नहीं खोल रहे, मेरा शोहर भी लंबा है, मगर काम पर गए सवारी होगी, किसी को साथ जाएंगे लेके तो जब जाएंगे ना, उनको बाइक चलानी नहीं आती, सही बात, 2 महीने हो गए बैठे हुए, बेरोजगारी अलग है और महंगाई इतनी हुई है, बस ये अल्लाह चला रहा है। तो हुकूमत की तरफ से कोई कोई भी फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही ना, सभी नहीं, मतलब जो उन्होंने कहा था कि राशन देंगे, बसों से इमदाद करेंगे, पूरे मोहल्ले में मुझे कहीं नजर नहीं आया, सही, कहीं 12,000
आज तो भाई उसको दे रहे थे वो बेनरी वालों को दिया, मुझे तो आम लोग मोहल्ले में इलाके में किसी को दिखाई नहीं दिया लेते। मतलब लॉकडाउन को दो महीने गुजर गए, रमजान पूरा गुजर गया, अच्छा कोरोना नहीं है कहीं भी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ये तो उसको दूर बात है। ठीक है, क्योंकि बाहर इतने लोग हैं भैया के अपने अड़ी खड़ी लोग ही जो जनाजे अटेक से भी गए ना उन्होंने उनको कोरोना में डाल दिया, कोरोना में घरों में लाशें भी ली थी। सही, ये अपनी आंखों देखी। अभी जो ये अभी जो हुकूमत ने नरमी की है लॉकडाउन में तो कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा हो तो नरमी से कोई फायदा हो तो कोई पता चले ना। सही, काम धंधे पे जाए बंदे, ट्रांसपोर्ट खोले तो पता चले कि हमें नरमी है, कमाने जाए करके आदमी तब जाके पता चलेगा, पता चलेगा। दर्जी है मेरे, मेरा अपना बेटा मेरे घर के काम, तो ये तो सीजन है, यही सीजन है, कुछ भी नहीं है। सही, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बच्चे परेशान हुए हैं। अपने जानने वालों को दियोगे या रिश्तेदारों को दियोगे, गरीबों को कहाँ मिलती है, किसी कुछ नहीं मिला, नहीं कहाँ मिलती है मुझे बता दें आप, आप आपके इलम में है तो मुझे बताएं। मैंने बाबा मैंने तो काफी लोगों से पूछा, आपके इलम में है तो हमें बताएं ना कि इनको मिला, जिनको मिला जिनके अपने जाने वाले हैं उनको ही मिल रहा है, जो मुस्तैक है वो बच्चे खा रहे हैं, कितने बेरोजगार हो गए ये लॉकडाउन, क्या ये भीख मांगने के वजह से लॉकडाउन किया हुआ है, वरना क्या बीमारी होता, ये रश हो रहा है, ये लॉकडाउन नजर आ रहा है आपको, सही बात है, सही बात, ये कोई लॉकडाउन तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट अपने अपना अपना वो उल्टू सीधा कर रही है और क्या कर रही है। असल में हमारा मुसलमानों का ये इबादत का टाइम आ गया ना, ये रमजान आ गए तो ये कमा लो जितना कमाना है, जो है ना वो ईसाई हैं काफिर हैं उनका क्रिसमस आता था, वो हर चीज एक चीज़ का एक चीज़ फ्री कर देते हैं, उनका वो इबादत का टाइम, हमारे इबादत का टाइम आता था, माशाल्लाह महंगाई कमाने में लग जाते हैं, कमाने में लग जाता है। अभी मैं लिस्ट लेके आया सौदा की, जेब देख रहा हूँ वो जो है ना रमजान से पहले अलग रेट थे, अब रमजान में अलग रेट है, अभी यही चीज़ें ईद के बाद जो है ना बंदे खरीद नहीं सकता, हुकूमत खरीद से बाहर है यार, बस कोई पूछने वाला नहीं असल में, हुकूमत ने कहा था कि हो गई यतीम, हुकूमत ने कहा था कि रमजान आएंगे तो रिलीफ मिलेगा, सस्ता करेंगे चीज़ों को, यूटिलिटी स्टोर में सामान होगा, रमजान खत्म होगा, लेकिन स्टोर में भी जो चीनी वगैरह आ रही है वो भी वो उधर ही बैंक के दुकानों में सप्लाई करते हैं हम लोग, अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि महंगाई जो है इतनी हो गई है कि कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत भी बस वो एक दूसरे पे कीचड़ उतारना है, बस नूरा कुश्ती चल रही है वाले से, आज तेरी बारी तो कल मेरी बारी, वही हिसाब किताब चल रहा है, महंगाई आवाम को रिलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। ये मेरे बहुत से ऐसे जान पहचान वाले थे रिश्तेदारों ने अप्लाई किया था इस पे 817 ये एहसास प्रोग्राम के तहत, लेकिन बाई चांस एक दो को मिला, उसके अलावा किसी को नहीं मिला, सबका रोड स्पॉटिंग आ गया है। अच्छा जी, और जो टाइगर फोर्स राशन लेके आ रही थी जो मामला चल रहे थे वो इस एरिया में नहीं है, कोई भी कोई भी किसी कोई इमदाद नहीं हुई, रमजान का पूरा महीना गुजर गया, लॉकडाउन में दो महीने हो गए, तो हुकूमत ने जो कहा था कि रिलीफ देंगे सस्ता करेंगे मामला को रमजान में, नहीं तो कोई सस्ता नहीं, उल्टा महंगा हुआ है, महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी हुई है, यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर कहा था कि किसी चीज़ में भी हाथ रख लो हर चीज़ और महंगी हुई है, वो यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो कहा था वो उस पर भी कोई फायदा नहीं हुआ, स्टोर में काफी सामान तो शॉर्ट कर दिया गया है, माल ही नहीं है मार्केट में, राशन नहीं मिला, 12,000 नहीं मिले, बेरोजगार बैठे हुए, अच्छा ये बैठे क्या करें, और महंगाई वैसे इतनी हुई भी है, मतलब गैस और बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, बिजली के बिल आ गए 7,000 बिल आ गई है, 4,000 का आ रहा था, मतलब 7,000 का बिल आ गया, सबके डबल ही आ रहे हैं, अब बिल तो भरना पड़ेगा ना, हाँ गवर्नमेंट माफ तो नहीं करेगी, हाँ वो नकट जाएगी बिजली, भरना तो पड़ेगा, अब क्या करें, सही पड़ा हुआ भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट को चाहिए हम लोग कारोबार दो महीने से बैठे हुए, सही घर का काम करते, अब इतने इतने बिल आ रहा है कहाँ से अफोर्ड करें, सही बच्चों को पालने वही बड़ी बात, सही बात है, ना राशन है ना कुछ, और ईद की तैयारी बच्चों के लिए तो ईद की तैयारी कुछ भी नहीं, ईद की तैयारी तो अभी छोटी भी नहीं है, तो भाभी राशन और ये चीज़ें पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद बच्चों का पेट भर जाए तो वही बहुत है, सही बात, ईद की तैयारी तो बात की बात है, पहले खा लें या तैयारियाँ करें, सही तो अभी कुछ भी नहीं है, सही तो हुकूमत ने कहा था कि रिलीफ देंगे सस्ता करेंगे चीज़ों को, नहीं दिया भाई, मैंने 4 बार अपना NIT भेजा है मेरे पास एहसास प्रोग्राम के लिए, एहसास के लिए कुछ भी नहीं आया, और मजदूरों का भी अभी बोला था वो भी भेजा, वो भी नहीं आया, सही कुछ भी नहीं आया, ना राशन भी नहीं मिला, टाइगर फोर्स जो राशन ला रही कुछ भी नहीं मिला भाई, टाइगर फोर्स तो नज़र ही नहीं आ रही है, किसी को भी नज़र नहीं आई, वो नहीं किसी को भी नज़र नहीं आ रही है भाई, सही पर ये कि ईद गुजर जाए अल्लाह अल्लाह करके वो अच्छा है, बिजली के बिल गैस के बिल, दूसरा गेम ये कर रहे हैं कि वो लोगों को डिस्काउंट देने के बजाय वो किस्तों पे कर रहे हैं, किस्तों पे उसमें क्या कर रहे हैं, कमी किसी किस्म की कोई कमी नहीं, कोई रिलीफ नहीं उसके अंदर, इसलिए कोई भी रिलीफ देने तो है पैसे हमने किसी भी बाद में देने, वो अगले महीने दे देने पड़ेंगे, लाजमी वो बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, इस महीने कम करेंगे फिर अगले महीने लग जाएगा, तो फायदा कोई नहीं है, फायदा हुकूमत सर 2 महीने लॉकडाउन को होगा तकरीबन, और रमजान का महीना ऑलमोस्ट
खत्म पे। हाँ तो कोई रिलीफ मिला हुकूमत की तरफ से कि सस्ता करेंगे? नहीं कोई सस्ता नहीं है। अब यहाँ किसी भी चीज़ का मालूम है चिकन 100 क्या बिक रही है सर? 400 रुपए किलो बिक रही है, दो सौ बीस दो सौ इसको कौन पूछ रहा है चिकन के बारे में? कोई नहीं, किसी के कोई नहीं पूछ ना। फल के ऊपर कोई आ रहा है, सब्जियों के ऊपर कोई आ रहा है, ना गोश्त के ऊपर कोई आ रहा है। जो है मिर्चे उर्चे सस्ती क्या कहें भाई, गरीबों पे जैसे भी लूट मारी मची है, गरीबों का तो किसी को एहसास नहीं है। सही, हर चीज पे महंगाई, ये तो रमजान का इतना बाबरकत ही मन है, इसमें तो बल्कि कमी पेशी करनी चाहिए। सही बात है, इसमें तो और मजीद महंगाई तो गरीब आदमी खाएगा। और बेरोजगारी इतनी हुई हुई है, बेरोजगारी इतनी है, देखो ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए 2 महीने हो गए घर में बैठे हुए। सही, अब रमजान में छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी पूरा करना पड़ता है, दुकानों पर जाओ मार मार के भगा देते हैं घर जाओ। अब इस तरीके से थोड़ी चलेगा, लॉकडाउन का तो ऐसा मसला हो गया है कि लोग बेरोजगार भी घुसी दे रहे हैं। 2 महीने हो गए इस लॉकडाउन को और रंग पूरा महीना गुजर गया, लेकिन कोई हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया, कोई मतलब जो 12,000 देने थे या राशन बनाने, कुछ भी नहीं दिया। ये तो सब सारी रामेबाजी है, कुछ भी नहीं दिया, राशन 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 वो कुछ नहीं दिया, कोई 12,000 का कोई रिलीफ कुछ भी नहीं दिया। हमने जबकि मैसेज भी किया था, यानी कि कोई उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। सब कहना अल्लाह बेहतर जानने वाला है क्या सियासत चल रही है क्या नहीं। तो अभी ये रमजान तो ऑलमोस्ट गुजर गया है, अब ईद की तैयारी है, तो किस तरह से गुजर बसर और किस तरह तैयारी करेंगे? क्या तैयारी करेंगे जब हाथ में इंसान के कुछ होगा तो, मतलब खाने पहले खा लें उसके बाद बच्चों को खिला दें तो वही बहुत बड़ी बात है। तो ये तो फिर हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकते बच्चों को खिलाने के अलावा। मर्जी से बेच रहे हैं, टमाटर हो, सब्जी हो, आलू हो, सबका अपना अपना रेट है। वहाँ पे दोबारा वही पपीता देखो तो 100 रुपया, खरबूजा जो आगे जा रहा है सब आगे जा रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। हाँ हर चीज़ महंगी हो रही है, कह रहे लॉकडाउन है लॉकडाउन, ये लॉकडाउन नजर आ रहा है आपको? मालिक किराया नहीं छोड़ रहा है, 15-15, 20,000 रुपया किराया दे रहा है, बिजली का बिल अलग, गैस का बिल अलग, कहाँ से देंगे? वालेकुम सलाम सर, क्या कहेंगे ये जो लॉकडाउन की जो मुद्दत में भी अब थोड़ी सी उन्होंने नरमी की थी, अब थोड़ा इजाफा भी हो गया, ईद तक जो है मामला तो थोड़े ऐसे ही चलते रहेंगे, तो एज अ ताजिर आप लोग क्या डिमांड करते हैं हुकूमत से कि किस तरह से काम हो जाए, कितने एसओपीज के तहत काम किया जाए कि आप लोगों का कारोबार भी चल जाए, लोग भी आसानी से शॉपिंग कर लें? एसओपीज का जो मसला जो है ना, वो तो लाजमी बात है कि जो पिछले 2 माह से खुला हुआ है, जो परचून है, दूध की दुकानें हैं, गोश्त की दुकानें हैं, मुर्गी, उनको भी यही SOPs दी और हुकूमत जान रही कितना हमारे SOPs पे हो रहा है। हम तो बाहर अलहमदल लियाकत मार्केट में हम कोशिश हर मुमकिन कर रहे हैं कि 100% तो हो नहीं सकती, मतलब जितनी हो सकते है कि मास्क का लगाना, दस्ताने को पहनना, सैनिटाइजर को लगाना, फासला रखना, सामाजिक फासले को दूर रखें, जितनी कोशिश करते हैं हम कर रहे हैं। और हाँ, ये जो टाइम का जो है ना, जब लाजमी बात है कि 2 माह के बाद ये दुकानें खुली हैं, क्योंकि दूसरा जो उन्होंने शेड्यूल दिया तो रश तो होना है, और ईद का सीजन है, ईद का टाइम है। अच्छा दूसरी बात ये कि मस्जिद जो है 4 दिन के बाद 3 दिन की छुट्टी दे दी, सही, जुमा हफ्ता इतवार जी हाँ। अब लाजमी जब पीर को खुलेगा तो क्या हाल होगा, रश वैसे बढ़ना है, रश बढ़ना है ना। सही, तो मैं हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये ईद तक का टाइम पूरा टाइम देते हैं, कुछ टाइम को बढ़ा दें, सही ना, ये जो बीच में जुमा हफ्ता इतवार उसको ख़त्म कर दें, तो लाजमी बात है कि तरीका कार होगा ना, जब टाइम ज्यादा होगा मेरे लियाकत मार्केट के 36 गेट है, मैं 34 गेट को बंद कर दूंगा और 2 गेट खोलूंगा तो रश तो दो ही गेटों पे आएगा ना। सही बात है, यही होगा ना, आप सारे खोलेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। बात यही है कि इसके नुकसान का आप तकनीका बता अंदाजा लगाने को कह रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है हम लोग का, क्योंकि यही एंड के दिन यही सीज़न होता है जिसके पूरे साल में हमारा दारो मदार होता है कि इसमें कुछ करेंगे, ज्वेलरी वाले, कपड़े वाले, कॉस्मेटिक्स वाले सभी, और इसी दौरान यही हमारा कहना है हुकूमत से कि इसको लॉकडाउन को कम से कम जानना तक तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। सही, ये 3 दिन के बीच में गैप लाते हैं, इससे मजीद और बढ़ेगा, फिर आप बाद में सोच रही है कि यार दुकानदारों ने के लिए आवाम ने जो दुकानों के लिए शिकायत की वो यही की है कि दुकानदारों ने मनमाने पैसे बढ़ा दिए, महंगाई बहुत हो गई है, ये तो खैर है कि बात महंगाई हुई भी है हर चीज़ पे, तो मतलब कि अभी ही कमाना है सबने, बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। ये तो बात पैसे और प्रॉफिट की तो बात दूर रहे, तो सिर्फ जो है हम लोग अपने खर्चे ही निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात थी, वो नुकसान जो पिछले 2 महीनों से हुआ है हम लोगों को, तो प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात, खाली हम अपने पर्सनल घर के खर्चे निकाल रहे तो बहुत बड़ी बात है, प्रॉफिट की तो बात बहुत दूर रही बात है। और बाकी जो गैस और बिजली के बिल अब डबल आने शुरू हो गए, जिस वो तो सिर्फ लफ्जी वाली बात थी ना, वो सब दोबारा आने लगे, डबल भी जो है ना, वो भी वेव नहीं हुए, वो भी जो हुकूमत ने कहा था बिल हर माह आ रहे हैं बल्कि अब एवरेज पे आ रहे हैं, वो डबल हो गया है, दुकानें नहीं खुली 1 दिन भी जी हाँ, और 200 यूनिट 250 यूनिट के बिल भेजे उन्होंने। सही,
जो आम घरों पे बिल आ रहा है ना, वो जहाँ पे 3,000 आता था वहाँ पे 6,000 रुपए बिल आ रहा है। एक तो अगर जले तो आ जाए ना, दुकानें तो हमारी बंद पड़ी हुई, लेकिन बिल आ रहा है, बिल आ गया 200 रुपए। सर क्या कहेंगे, जो महंगाई एकदम से दोबारा बढ़ गई है, सब्जियों पे, फलों पे, हर चीज़ पे जो आफत आई हुई है, क्या करें? गवर्नमेंट को शादी नहीं, वो कुछ देख नहीं रही है, मतलब ये कोरोना में गाड़ी है, ये मतलब कोई आगे चेक नहीं कर रहा कि क्या चेक नहीं कर रहा, कोई भी चेक नहीं कर रहा, अपनी जो महंगाई है ना, अंधे नगरी चल रही है। अच्छा, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, टमाटर हो, सब्जी हो, फल हो, सबका अपना अपने रेट है, कल कोई वो नहीं है कम्प्रोमाइज, कम सब्सिडी दे कोई बंदा। अभी ये पूरा रमजान गुजर गया, पूरा रमजान गुजर गया और लॉकडाउन को 2 महीने हो गए, हुकूमत ने जो वादे किए थे कि रिलीफ मिलेगा, सस्ता करेंगे, कहने की बात है, सिर्फ वादे कहने की बात है, कुछ भी नहीं। यूटिलिटी स्टोर में जो बचत बाजार लगाया था उन्होंने बचत किया, बचत बाजार नहीं है, वहाँ जाओ तो वहाँ भी रश होता है, वहाँ भी बैठ के रहते हैं, वही सब कुछ चल रहा है। अच्छा, कोई नहीं, कोई सही। अस्सलाम बाबा, क्या कहेंगे बाबा, ये इतनी महंगाई जो दोबारा से टूट पड़ी है रमजान में, क्या करें, लेना तो मजबूरी है ना, मजबूरी तो है ना लेना, आप क्या करें, वहाँ पे दोबारा वही पपीता देखो जो 100 रुपये, खरबूजा जो आगे जा रहा है, सब आगे जा रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, कह रहे लॉकडाउन है, लॉकडाउन, ये लॉकडाउन नजर आ रहा है आपको, हर बंदा ही बाहर निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ, रश हो रहा है, बाहर निकला, 2 महीने गुजर गए लॉकडाउन को, रमजान ऑलमोस्ट खत्म होने पर, तो क्या क्या कहेंगे कि हुकूमत ने कोई रिलीफ दिया, कुछ आसानियाँ पैदा हुई? सुना तो है कि कुछ पैसे लोगों को दिए गए हैं, दिए गए हमारे दोस्तों के, पता चला है कि दिए, अच्छा किसी को मिले हैं, हाँ मिले हैं। अच्छा, इतनी महंगाई हो गई, रमजान है, इंसान को थोड़े ख्याल करने चाहिए, ऊपर से ये बीमारी निकल गई है कोरोना का, अल्लाह पाक को रहम दे, परवा देगा इमरान खान को, इमरान खान को इतना रहम दे, क्योंकि महंगाई सस्ती कर दे, हर चीज़ इतनी महंगाई, हर इंसान परेशान है, किसी घर में राशन है, किसी घर में राशन नहीं है, अब क्या होगा ये बताएं, हर इंसान परेशानी ईद का दिन। तो ये हुकूमत ने कहा था कि रमजान आएंगे तो रिलीफ मिलेगा, लॉकडाउन में रिलीफ नहीं मिला, लोग बोले 12,000 रुपये, कुछ भी नहीं दिए लोगों ने 12,000 रुपये, कोई कोई नहीं, आप मुझे बता दो कौन से मुल्क में 12,000 मिला है, माशाल्लाह पाकिस्तान कितना बड़ा है, 2-3 जनों को दिया उन्होंने वो बंद कर दिया। अच्छा, यहाँ पूरे मलिक के अंदर कहीं भी नहीं मिला, मतलब पूरा कराची में अगर निकल जाए कहीं भी नहीं रहा, झूठ बोलते लोग 12,000 रुपये दिए, दुनिया उसमें पैसा दे रही है, बाहर इंसान यहाँ परेशान है, बिजली गैस के बिल डबल आ रहे हैं, डबल बिल गैस के बिल, हर घर में वो लोग बोलते खाने को भरें, ये बिल भरें, उसमें भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, गुंजाइश कुछ भी नहीं है, अब क्या करें, क्या गुंजाइश, हर इंसान परेशान है, और 2 महीने से लोग बेरोजगार बैठे हैं, घर घर बैठे हुए, और एटीएम यहाँ पर आए थे, चलान कर देता है 10,000 रुपये का, बेचारा कसाईयों को मुर्गियाँ उठा के ले आता है, वो एटीएम आता है, वो इनके धंधे का टाइम होता है, वो बंद करके बाकी आते हैं, सही ये काम है, मतलब हर तरफ से तकलीफ नहीं है, ये आवाम की तकलीफ, महंगाई सस्ती कर दो, मेहरबानी होगी, मन शांत हो जाएगी भाई। सर क्या कहेंगे, ये इतनी महंगाई हुई हुई है, गैस और बिजली के बिल वो भी डबल आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, किराए घरों में दुकान ही बंद है, 2-2.5 महीने से तो चलो आदमी जैसे जैसे भर भी देता था दुकान, बहुत ही लोग परेशान हो गए यार, कोरोना यार क्या लगा रखा है यार, मतलब लोग खौफ ज़्यादा हो गए, हर भूख से यार, एक है ही खौफ ज़्यादा, मेरा मीडिया पर इतना प्रेशराइज कर दिया, गवर्नमेंट आ रही है कोई ना हो फलाना फलाना होगा, मैं भाई अगर इतने होने लगा तो ये तो तुम लोग को रोडों पे जगह नहीं मिलेंगी यार, सही बात है। तो मतलब अभी हुकूमत की तरफ से जो कहा गया था कि रमजान में रिलीफ मिलेगा, लॉकडाउन में लोगों को रिलीफ मिलेगा, कोई रिलीफ मिला अभी तक? मिला है, क्यों नहीं मिला, एक उनको मिला है, जहाँ जाएंगे ये वोटर है ना भाई जान, उनको मिला है। अच्छा, ये सही कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट सही कह रही है, रिलीफ उन लोगों को मिला है, जिनके अपने बंदे हैं ना उनको मिला है, उनको जो वोटिंग किया ना मिला है, वो 12,000 रुपये जो राशन उन्हीं को मिला है, मिला है। देखो मुसलमान है, गवर्नमेंट भी झूठ नहीं बोल रही, अबे ये तो बताओ कि दिया किसको है, सही दिया उसको, जहाँ इनकी अपनी वोटिंग है, जहाँ इनके अपने इलाके फलानी जगह से वोट मिला यार, वहाँ दो यार। सर कहीं नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, महंगाई बेरोजगारी लेकर चार सौ 500 रुपये का महंगाई तो आपको, ये देखें थोड़ा सा सामान लिया, ये 250 रुपये का सामान है, खालू प्याज ये थोड़ा सामान है, 250 रुपये का मेरी नहीं, ये होटल है गाड़ी सामने, 3 महीना हो गया किराया बंद कर रखी है, 3 महीना किराया कहाँ से, 20,000 रुपये महीना कहाँ से दूंगा, ऊपर से गैस का बिल जो भी 28,000-30,000 का भेज रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, ये सामने होटल है मेरी, कब दुकान के बिल बंद करके इधर मजदूरी करके लिए खड़ा हूँ, मतलब होटल बंद पड़ा हुआ है और बिल आ रहा है, बिल आ रहे 30-30, 28,000-10,000 रुपया भेज रहे हैं, होटल तो बंद कर रहा है, कहाँ से दे रहे हैं, वो मालिक किराया नहीं छोड़ रहा है, 15-20,000 रुपया किराया दे रहा है, बिजली का बिल अलग, गैस का बिल अलग, कहाँ से देंगे,
मतलब कारोबार वैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, ऐसे नहीं है। एक दिन रेंजर लकड़ा लेके आ जाते हैं रेफर लेके, दूसरे दिन पुलिस आ जाती है, पूरा हमारे को ऊपर से हुक्म है, बोला से ये हो गया, वारस हो गया, गरीबों को लूटा जा रहा है, कभी ले रहे जो कुछ हम हर साल लेते हैं, इस साल भी ले रहे हैं। इस साल बस ये कोरोना की वजह से थोड़े बहुत मुश्किलात हो गई है, बेरोजगारी की वजह से, तो महंगाई तो हर साल होती है। हमारे लिए आसानी होगी क्योंकि हम रश में आते हैं, हमें डर रहता है कि हमें कोरोना ना लग जाए, तो हमारे बच्चे भी महफूज रहेंगे, हम भी महफूज रहेंगे, और ताजी दिल से ताजिरों का भी इस सिस्टम को और बहुत ऐसा तरीके से लेके चल रहे हैं सब लोग, और सबका आवाम से भी मैं अपील करूँगा कि बहुत ज़्यादा रश कम रखें, ताकि अपने अपना भी ख्याल रखें, अपने मुल्क का भी ख्याल रखें, और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, और पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्या कहेंगे ये जो इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है और फिर महंगाई अलग? भाई क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों अंकल, थक गए? थक गए, किसी को कहना सुनना बेकार है, बेकार है, अभी का जो बात हो गया। आपको उम्मीद नहीं है कोई कहीं से? अल्लाह क्या करे, बस सही। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या कहेंगे ये इतनी महंगाई हुई हुई है, हर चीज़ पर आग लगी हुई है, नहीं अभी हर चीज़ पे महंगी हुई है, सब्जियाँ महंगी हैं, दालें महंगी है, फ्रूट महंगा, हर चीज़ महंगी, तो हुकूमत ने कोई कोई रिलीफ नहीं दिया जो कहा था कि रमजान आएंगे, हुकूमत जब नहीं कर रही तो हमारी आवाज़ पे क्या करेंगे? अच्छा, महंगाई हुई भी है, सब्जियाँ फ्रूट हर चीज़ ऐसी महंगी हुई भी है, तो सस्ता करना चाहिए ना, क्या हो गया इन लोगों का? मतलब रमजान में भी इन्होंने नहीं छोड़ा कमाना, जो मुनाफा हो रही है परेशान है, कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं? मतलब बेरोजगारी इतनी हुई भी है, काम नहीं है, काम धंधे नहीं है, गरीब इंसान क्या करेगा, भूखा ही मर रहा है, तो क्या कर सकता है? और जो हुकूमत ने कहा था कि रिलीफ देंगे, रमजान के अंदर कोई रिलीफ नहीं, रमजान तो खत्म ही है, लेकिन रिलीफ नहीं मिला, तो आठ रोजे रह गए, वो कुछ भी नहीं दिया, आवाम बहुत परेशानी से बोल तो देना, सही आवाम को सही राय तो करने थे थोड़ी सी, क्या कर सकते हैं? सही, तो जो कहा था कि राशन मिलेगा, 12,000 रुपये दिए जाएंगे, तो कुछ मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला, ऐसे झूठ बोला था उन्होंने, तो खाली के खाते में जाना था। तो आप लोगों ने वो जमा कराया था जो 12,000 रुपये के लिए मैसेज करना था? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं, अच्छा वो नहीं कराया। तो अभी गैस और बिजली के बिल आ रहे हैं जी, वो ज़्यादा आ रहे हैं, वही कम है? ज़्यादा ही आ रहे हैं, जैसे आते थे वैसे ही आ रहे हैं, वैसे ही आ रहे हैं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी पेशी नहीं है इसके अंदर। सर बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा, बहुत बुरा हाल, बेरोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, और बड़े बड़े हुक्मरानों को सोचना चाहिए क्या हाल हो गया है। मतलब हुकूमत कुछ नहीं कर रही, जो खाते के रमजान में रिलीफ देंगे, रमजान खत्म पे है, कुछ नहीं है, इन लोगों को शर्म आना चाहिए, बैलू में मुल्क वाले हर चीज़ पे आधी कीमत कर देते हैं जी हाँ, और यहाँ पे हर चीज़ को दुगना कर देते, दुगना कर देते ये मुसलमान, और अब गैस और बिजली के बिल जो आ रहे हैं, और तबाही का भाई बन बहुत खुशियाँ कर रहे हैं लोग जी हाँ, मतलब गुजारा ही नहीं हो रहा था, अब क्या करें, क्या करें भाई? सही, हुकूमत हुकूमत कहते हैं रिलीफ देंगे, 12,000 रुपये देंगे, कुछ भी नहीं कर, कुछ भी नहीं हुआ, और इंसान को परेशान कर। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज सर क्या कहेंगे ये जो इतनी महंगाई हुई है और बेरोजगारी वैसे ही है, 2 महीने से लोग घरों पे बैठे हुए हैं? महंगाई तो हर साल होती है, कोई नई बार तो महंगाई मुनासिब है, इतना भी नहीं है जितना कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सके, सभी ले रहे जो कुछ हम हर साल लेते हैं, इस साल भी ले रहे इस साल बस ये कोरोना की वजह से थोड़े बहुत मुश्किल हो गई है, बेरोजगारी की वजह से, तो महंगाई तो हर साल होती है, यही तो पूछ रहा हूँ कि बेरोजगारी हुई भी है तो महंगाई की वजह से महंगाई थोड़ी हमें लग रही है, अरे अल्लाह का शुक्र है जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, बस बीमारी से बचे इंसान, गरीब आदमी बीमारी से नहीं लड़ सकता, भूख से तो लड़ ही लेगा। सही, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या कहेंगे ये कारोबारी हवाले से जो लॉकडाउन में नरमी की गई है, तो उससे भी फ़ायदा भी हो रहा है आवाम को भी और आप लोगों को भी? यार आप एक ताजिर से सवाल कर रहे हैं ना, ताजिर से फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, और हम लोग तो माशाल्लाह अपने SOPs पर बड़ा अपना अमल भी कर रहे हैं, और जो हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं उनको हम फासले से भी उठा रहे हैं, और फ़ायदा क्यों नहीं हुआ यार, फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, दुकान भली अलहमदिल्ला पीर मंगल बुध जुमरात और बाकी जो उन्होंने ब्रेकडाउन का बोला है आप देख लेंगे, हमारी मार्केट आप देख सकते हैं बंद है, मैं सदर हूँ सुपर लियाकत मार्केट, मतलब आज तो बंद है जी, वैसे बंद है लेकिन अलहमदिल्ला हमारे तमाम दुकानदार SOPs को फॉलो भी कर रहे हैं अलहमदिल्ला, और हम कस्टमर को भी सहूलत दे रहे हैं, यहाँ पे स्प्रे वगैरह भी कराते हैं, सही है, और लॉकडाउन की नरमी की वजह से हमारे को बहुत फ़ायदा है, हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बेहद मशहूर हैं, और वज़ीर आला दिल्ली के भी बेहद मशहूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने बहुत ताबून किया, और हमारी कोशिश होगी, और हमारी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमें मज़ीद जो है थोड़ा सा अगर टाइम पीरियड हमारा थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, आखिरी के दिन जो चल रहे हैं, आखिरी के दिन टाइम बढ़ा दिया,
आखिरी अयाम में जो ताजिरों की ख्वाहिश है उसके तहत ये है कि थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दी जाए ताकि दुकानदार जो है आसानी से अपना कारोबार कर ले। खरीदार और हमारी मार्केट में आप अभी नहीं, जब मार्केट खुले उस टाइम भी आप आके अगर सर्वे करेंगे हमारी यहाँ 100 पीस का बड़ा एहतमाम किया गया। 4:45 बजे मार्केट पूरी ब्रेकडाउन कर देते हैं। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है के जरिए मैं खास तौर पर अपने वजीर आला सिंध मुराद अली साहब का बड़े तेजी से मशहूर हम कि उन्होंने नरमी का ऐलान किया। सही, और देखें वफाक तो यहाँ नहीं बैठा है ना, यहाँ तो हमारे दुनियावी लिहाज से गवर्नमेंट ऑफ सिंध बैठी है ना, तो हमारे अभी सदर साहब ने जैसे बोला कि हम SOPs को बहुत फॉलो कर रहे हैं ना। सही, उस पर हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। सही, और ये चार हमारे सदर साहब और मैं चेयर। बाकी लोगों का और भी दुकानदारों का ये कहना था कि हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि दिन थोड़ा सा बढ़ा दें जो वरना जो रश है तो वो भी कम हो जाएगा। हाँ, ये देखें इस पर चीज़ को बता रहा हूँ आपको कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा टाइम बढ़ा दे ना, टाइम कम होने की सूरत में ना रश बढ़ जाता है, अगर टाइम बढ़ जाएगा तो आवाम अपनी सहूलत से आएगी, तो दुकानदार को भी आसानी होगी और आने वाले को भी आसानी होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई गवर्नमेंट को अप्रिशिएट ही करेगा इसलिए ये हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार है। आप लोगों को भी पूरा हो जाएगा, जिसको जरूरत की चीज लेनी है जो भी सिस्टम ये कह रहे हैं हमारे ताजिर बिरादरन भाई वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि रश बढ़ेगा, रश से फिर मरीज भी बढ़ेंगे, लेकिन अगर रश नहीं बढ़ेगा तो आराम से बंदा हर कोई अपना सौदा भी ले सकता है। आ रहे ना आप, आपके लिए भी आसानी होगी, हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि हम रश में आते हैं, हमें डर रहता है कि हमें कोरोना ना लग जाए, तो हमारे बच्चे भी महफूज रहेंगे, हम भी महफूज रहेंगे, और ताजी दिल से ताजिरों का भी इस सिस्टम को और बहुत ऐसे तरीके से लेके चल रहे हैं सब लोग, और सबका आवाम से भी मैं अपील करूंगा कि बहुत ज़्यादा रश कम रखें ताकि अपना अपना भी ख्याल रखें, अपने मुल्क का भी ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, और पाकिस्तान जिंदाबाद। मतलब ये है जो हुकूमत ने 3 दिन का बोला है जी हाँ, ये पूरा जुम्मे अब तक जुम्मे को छुट्टी दे रहे बस। सही, पूरा जुम्मे को शाम तक लॉकडाउन कर दिया, अभी ये सिर्फ 4-5 दिन के लिए खुलता है, उसमें रश बढ़ जाता है, खराब हो रहा है और डबल रश हो रहा है, और डबल रश हो रहा है, दुगना हो रहा है। सही, काम भी नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, आप बैंक में चले जाओ ज्यादा रश है, सब जगह रश है, वाला साहब से दरखास्त है ये खोल दे, ये वाला ये दिन बढ़ाएंगे तो रश कम हो जाएगा, आसान काम आसानी हो जाएगी, रश कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक पब्लिक कम हो जाएगी। जी भाई क्या कह रहे थे आप? बस ये कहने का मकसद है जो 5 बजे दुकानें खुलनी है वो 24 घंटे खुलनी चाहेंगे, रश और कम, रश कम हो जाएगा, ये तो टाइम कम डाइवर्ट हो जाएंगे, और ये जितने मॉल और खुलने चाहिए मॉल। सही है, बस यही है गुजारिश कि ये जो रिलीफ किया गया है और नरमी की गई है लॉकडाउन में, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि ये रश कम हो जाए और काम आसानी से हो सके। इसी के साथ दें अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।